अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आप चाहते हो ना अच्छे समझे, तो आपको इतना समझना है कि कैपिटल इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है। एक्सपेंस और लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होगा, बिजनेस में एक्सपेंस और लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा, इनकम और गेन होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा। और इक्वेशन क्या है हमारा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू असेट, मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन, अभी 7 ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन करने के बाद ये इक्वेशन टैली होना चाहिए, मतलब जितना आपका कैपिटल और लाइबिलिटी है उतना ही आपका असेट होगा। क्योंकि डबल एंट्री हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न तरीका। ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल करते हैं, अभी यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन बनाते हैं। तो शुरू करते हैं, हेडफोन यूज करना, ध्यान देना। सबसे पहला, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैश 60,000। अगर नीमा ने बिजनेस शुरू किया कैश ला के, तो एसेट आया, तो एसेट्स के नीचे थोड़ा एक लाइन छोड़ दो और इसी के नीचे थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, मतलब एसेट्स किस टाइप का एसेट है, मतलब कैश। तो नीमा ने कैश लेके आया, कितना लेके आया, 60,000। ठीक, कैश लाया तो कैपिटल भी आया, तो कैपिटल के नीचे कैपिटल लिख देते हैं, कितना कैपिटल आया, 60,000। क्या कोई लाइबिलिटी आया, नहीं सर। तो ये ट्रांजेक्शन होने से इक्वेशन टैली हुआ, यस सर, 60,000 इज इक्वल टू 60,000। हर ट्रांजेक्शन के बाद हम टोटल करेंगे, तो कितना हुआ टोटल, 60,000। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, 0 इक्वल टू 60,000। बोलो, समझा? फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझ में आया, बिजनेस में कैपिटल आया इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ। ठीक है सर। सेकंड ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, अगर बैंक में पैसा हम डिपॉजिट करेंगे तो इससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो एक नया एसेट आएगा, इसका नाम है बैंक। कितना पैसा डिपॉजिट किए, 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपये से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा प्लस, और 2,000 से अपना कैश कम हो जाएगा, समझे? क्योंकि यही पैसा तुमने बैंक में डाले हो, तो 2,000 से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, 2,000 से कैश कम हो जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन होने से इक्वेशन क्या बना, कैपिटल एज इट इज 60,000, लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं हुआ, कैश पहले 60 था, 2,000 कम हो गया तो 58,000 हो गए, और बैंक में 2,000 हो गया ना टैली, 60,000 और 60,000। हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन टैली होना चाहिए। यस सर। कैपिटल और भी बढ़ता है, एडिशनल कैपिटल लाने से बढ़ता है, ड्राइंग करने से कम होता है, वो तो बेसिक मालूम है आपको। तो एडिशनल कैपिटल बॉर्ड बाय नीमा, हाउ मच, 7,000। तो 7,000 रुपया कैश बढ़ जाएगा, 7,000 से कैश बढ़ जाएगा, और 7,000 से कैपिटल भी बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी में कुछ नहीं इफेक्ट हुआ। तो ये ट्रांजेक्शन होने से क्या हमारा इक्वेशन टैली हुआ, हुआ ना सर, 67,000, लाइबिलिटी 0 इक्वल टू 58 प्लस 7, 7 प्लस 8, 7 टू 14 प्लस 1 15, तो 15 65,000 प्लस 2,000 हो गया ना। तो क्या है, ट्रांजेक्शन होने से इक्वेशन टैली हुआ, यस सर, हुआ ना, 67,000। आगे बढ़ते हैं, परचेस अ गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ 10,000। बेटा उधारी में खरीदे, नाम लिखे है ना वर्मा जी, तो 10,000 गुड्स परचेस किया वर्मा से उधारी में। तो जब आप 10,000 गुड्स परचेस करोगे तो एक एसेट्स आया, गुड्स। कितने का गुड्स परचेस किया, 10,000 का गुड्स परचेस किया आपने, लेकिन एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गया, वर्मा जी क्रेडिटर, यहां लिख देते हैं क्रेडिटर। कितने का लाइबिलिटी, 10,000 का लाइबिलिटी बढ़ गया। तो ये ट्रांजेक्शन होने से इक्वेशन टैली हुआ क्या, हुआ ना सर, 67,000
प्लस 10,000 मतलब 77,000 इक्वल टू ये 65,000, ये 2,000 और ये 10,000. 65 प्लस 10 75 प्लस 2 77,000. ये देखो 77,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलते हैं सोल्ड गुड्स टू कर्मा 7,000. वर्मा से खरीदे थे, कर्मा को सेल किए, तो गुड्स सोल्ड टू कर्मा, कर्मा को हमने गुड्स सोल्ड किया तो अपना गुड्स कम हो जाएगा. कितने से? 7,000 से गुड्स कम हो जाएगा. 7,000 से जो गुड्स कम हुआ किसको बेचे हैं? कर्मा को. तो एक हमारा डेटर बन, एसेट्स इंक्रीज हो गए. डेटर 7,000 से गुड्स कम हो गया, 7,000 से गुड्स डेटर बढ़ गया. लायबिलिटी और इसमें कुछ फर्क नहीं गिरा. तो हमारा अभी ट्रांजेक्शन होने से क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन होने से कैपिटल 67,000 हुआ, लायबिलिटी 10,000 इक्वल टू कैश 65,000, बैंक बैलेंस 2,000, क्या गुड्स 10,000 में से 7,000 निकल गए तो 3,000 बचा गुड्स, और डेटर कितना 7,000 से. तो इक्वेशन का टोटल कितना, ऑफकोर्स 77,000. आगे बढ़े. पेड कैरेज. सर कैरेज क्या होता है? गुड्स का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा. तो कैरेज मतलब खर्चा है. तो पेड कैरेज और कैरेज एक्सपेंस मैंने अभी बताया था आपको, एक्सपेंस होने से कैपिटल कम होता है. तो आपने कैरेज पे किया 5,000, तो इससे कैपिटल कम होगा. जितना तुम खर्चा करोगे आपका बिजनेस कैपिटल कम होगा. लेकिन कैश भी तो दिया होगा, कैश उतना से कम हो जाएगा. तो ये ट्रांजेक्शन होने से इक्वेशन टैली हुआ. हाँ सर हुआ. टोटल करते हैं फिर से. 67 माइनस 5 62,000 प्लस 10,000 तो टोटल कितने हुए 72. ये साइड 65 माइनस 5 60,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000. ठीक है. तो इक्वेशन का टोटल कितना हुआ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी 72, और इधर पे भी 72 हुआ. देखो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 60 72. लास्ट ट्रांजेक्शन. आपको ब्याज मिला, आपने किधर पैसा इन्वेस्ट किया था या किसी को लोन दिया था वहाँ से ब्याज मिला. कितना ब्याज मिला? 200 रुपये ब्याज मिला. अगर ब्याज मिलता है तो ये आपका इनकम और गेन है, इससे कैपिटल बढ़ता है. तो 200 रुपये से कैपिटल बढ़ जाएगा. मैं फिर से बोलता हूँ बेटा, एक्सपेंस एंड लॉस होने से कैपिटल कम होता है, इनकम और गेन होने से कैपिटल बढ़ता है. तो कैपिटल में इंक्रीज कर दें 200 से. ये ब्याज मिला होगा तो 200 रुपये हम लोग कैश में बढ़ा देते हैं. तो ये ट्रांजेक्शन होने से क्या इक्वेशन टैली हुआ? यस सर टैली हुआ. फिर से टोटल बार बार करें. टोटल तो 62,200 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 60,200 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000. What is the total of this equation? 62 plus 10, 72,200. और assets का भी वही है 72,200. एक बार fast recall कर देता हूँ. आपको क्या बातें ध्यान देना है, आपको इतना ध्यान देना है कि capital plus liability equal to asset होता है. हर transaction के बाद equation tally होना चाहिए. देखो फटाफट, Nima started business with cash. Cash बढ़ गया, capital बढ़ गया. डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया. एडिशनल कैपिटल बॉर्ड बाय नीमा, कैश बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया. प्लस दिखा दें. परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा जी, वर्मा से गुड्स परचेज किया, लायबिलिटी बढ़ गया, गुड्स बढ़ गया. ये लायबिलिटी बढ़ गया, गुड्स बढ़ गया. ये थोड़ा ट्रांजेक्शन में ऊपर लिख दिया हूं. सोल्ड गुड्स टू कर्मा. आप बोलेंगे सर उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ. अरे वो बताया नहीं था ना गुड्स कितने का था.
तो हम एज्यूम करते हैं जितने का था उतने का ही बेच दिया, तो 7,000 का गुड्स सोल्ड किया आपने, किसको? कर्मा को। तो गुड्स कम होगा और कर्मा हमारा डेटर है, तो 7,000 से गुड्स कम हो गया, 7,000 से डेटर बढ़ गया। पेड कैरेज, कैरेज पे करने से एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल कम कर देना, कैश भी कम कर देना। रिसीव ब्याज, ब्याज मिलने से कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ा दो और कैश भी बढ़ा देना। एज्यूम करता हूँ समझा, हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन टैली होंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।